दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा के स्तर को देखते हुए नोएडा के बाद दिल्ली में भी स्कूल बंद कर दिए गए। राजधानी में 8 नवंबर तक पांचवी तक की सभी क्लास बंद रहेंगी, जबकि पांचवी क्लास से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल तो खुले रहेंगे लेकिन बाहरी गतिविधियां सीमित कर दी जाएंगी। पंजाब में सख्ती के बावजूद किसान पराली जलाने से बास नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में हर गुजरते दिन के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में बिगड़ते हालात के लिए केजरीवाल और पंजाब सरकार को जिम्मेदार माना। इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग इन पंजाब व्हिच हैज गॉन अप। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली और नोएडा में पानी का छिड़काव हो रहा है, लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। पानी की बौछार के जरिए धूल से निपटने की कोशिश हो रही है लेकिन इसके बावजूद एयर क्वालिटी काफी खराब बनी हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, हवा और भी ज्यादा जहरीली हो गई है। नोएडा के बाद दिल्ली में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि अभी जो इलाके हैं जिसमें अगर हम दिल्ली में बात करें कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जिसमें नरेला में 464 है, RK पुरम में 446 है, रोहिणी में 452 है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सोनिया विहार की तो वहां पर 459 है, वजीरपुर में 449 है, अलीपुर में 453 है और इसके अलावा बवाना में भी 463 है और जहांगीरपुरी में 453 है। तो दिल्ली में किस तरीके से हवा जहरीली हो चुकी है ये आंकड़े बता रहे हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खतरनाक श्रेणी में है और जो पराली जलाई जा रही है, खासकर हम बात करेंगे पंजाब में जो मामले सामने आ रहे हैं, उसके वजह से दिल्ली की हवा और भी ज्यादा दम घोटू हो चुकी है ये कहा जा सकता है। तो दिल्ली में अब लोगों को काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त दिल्ली में हालात क्या हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में बस और कार की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं हादसे में बस का ड्राइवर घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे। 11 सवारी उस टवेरा गाड़ी में थी, वो पूरी स्पॉट पे ही खत्म हो गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की मदद देने का ऐलान किया।